हाय फ्रेंड्स, जेडीएन इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास एक कार का जो बेस ट्यूब है मेरे पास आया है। देखिए वो फुल शॉटिंग है। फ्यूज़ को लगाने के बाद वो तुरंत ओपन हो जा रही है। जितनी बार फ्यूज़ को लगाते हैं इतनी बार ही फ्यूज़ बर्न हो रहा है। ठीक है, तो कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना है, आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस किट को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैंने देखा कि इसका जो पावर, देखिए यहाँ पर जो पावर ट्रांजिस्टर है यहाँ पे, वो सही है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका जो पावर ट्रांजिस्टर है, देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, दोनों सही है। D1047 और एक है B817। ठीक है, तो एक पी चैनल और एक एन चैनल के लिए। सबसे पहले आपको जो जो नया टेक्नीशियन इस काम को सीखना चाहती है, देखिए इसमें क्या क्या सेक्शन बना हुआ है इसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं। फ्रेंड्स देखिए, GND है, मतलब माइनस का है बैटरी। और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव 12 वोल्ट, और यहाँ पे REM, मतलब आपको यहाँ पे स्विच की मदद से यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट देना होगा 12 वोल्ट, और यहाँ पर भी 12 वोल्ट, यहाँ पर माइनस वोल्ट देना होगा। ठीक है, जो पॉजिटिव सप्लाई देखिए कहाँ कहाँ जाती है। माइनस सप्लाई डायरेक्ट आपको फ्यूज की द्वारा यहाँ पे आती है, देखिए यहाँ पर। और जो पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव ट्रैक को फॉलो करिए, यहाँ से आपको देखिए यहाँ पर जा रही है। यहाँ पर एक SM ट्रांसफॉर्मर है, टोरोडल ट्रांसफॉर्मर। और देखिए यहाँ पर दो MOSFET मिलेगा आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये MOSFET शॉर्टिंग था, मैंने ओपन कर लिया, और इसका जो नंबर था, और इस सेक्शन को आपको बोलते हैं इन्वर्टर सेक्शन। और ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है पावर MOSFET का, सॉरी पावर ट्रांजिस्टर का, और इस वाला जो सेक्शन है वो है एम्पलीफायर सेक्शन, देखिए। ठीक है, तो MOSFET जो सेक्शन है यहाँ पर इन्वर्टर सेक्शन, यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब आप 12 वोल्ट देंगे यहाँ पर, सब तो वो आपका MOSFET, और यहाँ पर जो SM ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के द्वारा आपको यहाँ पे आपको 33 वोल्ट आपको बनेगा AC वोल्ट, जो वोल्ट बनेगा वो होगा AC वोल्ट। और इसको फिर से आपको देखिए यहाँ पर दो डायोड मिलेगा आपको, डायोड के द्वारा आपको इसको DC करके पॉजिटिव 30 वोल्ट और नेगेटिव 30 वोल्ट और ग्राउंड, तीनों वोल्ट यहाँ पे चाहिए आपको, पॉजिटिव नेगेटिव और ग्राउंड। और इसको प्रॉपर फिल्टर करने के लिए यहाँ पर दो कैपेसिटर मिलेगा आपको 35 वोल्ट से लेके 50 वोल्ट तक। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक IC मिलेगा आपको, देखिए ये वाला जो IC है इसका नंबर है, इसके द्वारा ही ये जो इन्वर्टर है प्रॉपर काम करती है। अगर वो खराब होगा या MOSFET खराब होगा तो आपका यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनेगा, 33 वोल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो काम कैसे करते हैं देखिए फ्रेंड्स, जो देखिए यहाँ पर, देखिए जो इनपुट का जो कोयल है SM ट्रांसफॉर्मर का, देखिए ये वाला यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव आपका MOSFET का देखिए सेंटर पिन के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स पहला पिन है आपका गेट पिन ये वाला, और दूसरा ड्रेन पिन, और तीसरा सोर्स पिन। देखिए दोनों सोर्स पिन आपस में, देखिए यहाँ पर नेगेटिव के साथ जुड़ा है देखिए, और देखिए ड्रेन पिन के साथ, देखिए कोयल का जो SM ट्रांसफॉर्मर का जो दो वायर है, देखिए ये वाला और ये वाला, इसके साथ जुड़ा है। और बीच में देखिए ये वाला, यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पे नेगेटिव स्विचिंग होगा तो भी ये वाला जो कोयल है, इनपुट का कोयल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होगा,
और वही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी जो कॉयल है, देखिए यहाँ पर भी थ्री कॉयल है, सेंटर में जो दो, देखिए यहाँ पे दो लूप है, वो है आपका ग्राउंड, और यहाँ पर मिलेगा एसी बोल्ट, ठीक है। तो आइए अभी इसको लगा के देखते हैं प्रॉपर काम करते हैं या नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको और कोई प्रॉब्लम है तो आपको बताएंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहिए फ्रेंड्स। देखिए मेरे पास जो मॉस्फेट है वो भी, देखिए ये वाला मॉस्फेट मैं लगाऊंगा यहाँ पे, इसका नंबर IRF Z46N, ठीक है। तो इसके लगा के आप लोगों को दिखाते हैं प्रॉपर काम करता है या नहीं, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने देखिए यहाँ पर इसको टाइट करके लगा लिया और माइका सीट भी लगा लिया, देखिए वो भी इसको सोल्डरिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लेग है, लेग को भी कट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स अभी इसको सोल्डिंग करता हूँ। फ्रेंड्स मैंने सोल्डिंग कर लिया, वो भी इसको लाइन दे के देखते हैं वो चालू होता कि नहीं, ना शॉर्टिंग ही रहती है, ठीक है। फ्रेंड्स फाइनली मेरा जो देखिए बेस्ट ट्यूब है वो रेडी हो गया, ठीक है। देखिए अभी इसको लाइन दे के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने लाइन दे दिया, और देखिए इसका जो वोल्टेज है, देखिए बूस्ट वोल्टेज, देखिए पॉजिटिव वोल्टेज, देखिए फ्रेंड्स 31.7, और देखिए माइनस वोल्ट, देखिए -31.6, ठीक है, प्रॉपर आ गया। और देखिए इसका जो आईसी है TL494 IC, इसको भी चेंज करना पड़ा मुझे। इसके बाद इसका प्रॉपर जो आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज है वो भी आ गया, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि इसको दिखाते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए नहीं दिखाया, ठीक है। तो अभी इसको फाइनली इसको सेटिंग करके आप लोगों को इसका जो साउंड है, साउंड को भी दिखाऊंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स अभी इसको लाइन दे के देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने बैटरी पे इसको लाइन दे दिया, ठीक है। तो अभी इसको एक गाना प्ले करके देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने सॉन्ग प्ले कर दिया, तो आप लोग इसका साउंड देखिए। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट।